ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਰੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠੇ ਬਾਈ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾ ਜਿੱਬੇ ਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਜੀ ਹੈਲੋ हेलो बैठो वीर बन के बैठ जाओ यार सारे पिछे दिख जूगा मुड़ के थोड़े थोड़े आई जाएंगे बैठ जाओ एक बारी बैठ जाओ वीर बन के सारे का धन्यवाद बैठ जाओ माइक ला दो माइक दूजी दो दूजी ऊपर पई है ऊपर बापू जी इत्थे अपने कोले इत्थे मिलणगे सारे उधर सिक्योरिटी वाले नूं बेनती है वीर बन के गेट बंद करो छोटा सारे जने इत्थे आ जाओ इत्थे अपनी जिहड़ियां गल्लां ने बापू जी होरी अपने नाल इत्थे करनगे सारे इत्थे आ जाओ जिहड़े भी इधर उधर खड़े आ सारे पुतनों चाहन वाले नौजवानों बच्चे बच्चियों मेरे भैनों भरावों सारे मैं अपने ग्रह बैठे कहना कि तुसी इन्ने गर्म मौसम अज 42 डिग्री तापमान है पर फिर भी सवेर का लखा बंदा अपने ग्रह पिछे पहुंचे मैं तो सारे का तय दिलों धनबाद श्रद्धांजलियां पर हम मौके के हालात में देखते हुए अपने कले बंदे मिलना भी बहुत संभव है क्योंकि थोड़ा पता है कि हार्ट पेशेंट हैं चार पांच स्टंट पे हुए हैं थोड़े डॉक्टर अलाउ किया थोड़ा जहा हिसाब नहीं चलना पांच साल दो साल सौखे लग जाने कोशिश मैं सारे करता मिलने की ते एक मैं बेनती सू होर भी करनी सी भी आप ऐतवार का ही रखा करा क्योंकि हम सारे दिन ही इन्नी भीड़ होने लग पी फिर कोई चलो अपना कोई टावा टला केस होंगे जिदा कोई बाहरों आ गया जा किसी ने बाहर जाना कोई उदा का कोई बंदा मिल जाता है ना आप चलो मिल लें पर जे आप सारी संगत को रोज ही चार या पांच हज़ार बंदे फेस करना मेरे लिए औखा हो गुस्सा नहीं करनी इस गल का क्योंकि मैंने डॉक्टर हदायत मुताबिक चलना पैदा हूँ अच्छे मैं एतवार रखा तो थोड़े सामने औखा सौखा मैं रात के 9 बजे तक ड्यूटी करूँगा संडे को मैं एक दिन ला लेना औखा सौखा जो सस्ते दिन ही इस तरह चलना फिर औखा हो जाना मैं तुम तो सारे बेनती की है कि कोशिश करनी है कोई एमरजेंसी वाला बंदा है फोन करके आज कोई चक्कर पर अदरवाइज जो आप आम रूटीन वाले आने वाले या टूर वाले ने होर ने 100-100 बंदा घट्टो घट इकट्ठा होंगे फिर उन्होंने सारे टाइम देना मुश्किल हो जाता है ये मेरी मजबूरी सी जो कोई मतलब मैं मना नहीं करता पर मेरी ठीक लिए शरीर की ताकत भी है इन्नी भी मैं सारा दिन इन्नी गर्मी झल लूँगा बस एक ये भी तुहानू सारे नू सिद्धू के जोड़े दर्शन ने सिद्धू की जी रूह है मेरे को दिखाई देती है मैं समझना इस गल भावना जुड़ी हुई अपनी क्योंकि अपना रास्ता एक सी अपना जो लाइफ स्टाइल से बेहद नीवे दर्जे का एक छोटे किसान वाला सी एक छोटे मजदूर वाला इस करके लोगों ने अपन गीता करके तो शायद घट मनिया हो लेकिन अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड से जो अपना लोगों के बीच विचरन का हिसाब किताब से वो लोगों को ज़्यादा फिट है कई बार मेरे हरियाणे के जाट बजुर्ग है जोड़े बैठे होंगे मैं उदो पुछ लेना भी ताऊ थोनों तुम तो पंजाबी गाने भी नहीं सुनते भी तुम सिद्धू की गल क्यों करोगे तो कहते भाई छोरे की एक बात पसंद है भी इतने बड़े अहदे पे होकर भी उसने अपना गाँव उसने अपना इलाका नहीं छोड़ा और खेती कर वो अपने पिता पुरखी किते करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी जुड़िया हुआ है ये महानता है असू इस करके प्यार कर तो इस करके किसी पग पसंद आई किसी भाषा पसंद आई किसी रहना पसंद आया तो थोड़े थोड़े नाल बहुत बड़ा परिवार बन गया मैं ये गल कह कि असी दुनिया तो जित गए जिमें
शेर ने लिखा सी शाह मुहम्मद एक सरकार बाजो फौजो जित के अंतों हारियों नू असी दुनिया जीती पर गंदे सिस्टम तो हार गए। तुसी देखो कल मैं सीएम साहब नू मिल गया इन्ना हंकार उस बंदे जिहड़ा अपने आप नू इक निशान दा बेटा एक मिडल फैमिली दा बेटा दस के सत्ता दे विच आया सी उसने मैनू लारा भी नहीं लाया घटो घट जे मैनू कहें कोई गल नहीं मुड़ जाओ तू चंडीगढ़ बुला कोई वड्डी गल नहीं परंतु क्योंकि मैं उन्होंने इलेक्शन के विरोध करता विरोध क्यों किया जो मैं चंडीगढ़ गए नहीं मिले जे किसी कांग्रेस की हम विधानसभा मैं बढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं MLA नहीं उठा तो जाना तो मैं किसी ना बहकी पू फिर कहता जी तो कांग्रेस स्टंट कर जलंधर वा गया कहते जी ये सियासत कर कल उन्होंने कहता कि मैं हम कला है मैं आपके सोशल मीडिया तो मैंने 100 मिलियन लोग फॉलो करते मैं उतो मैसेज दे सकता सी लोगों को सीएम साहब आ रहे आप कालिया झंडिया दिखावे जो करेंगे पर मैं मेरे मन के उत्ते एको गल सी भी मना तेरा तो उजड़ गया तेरे शहर में कुछ दे के जाऊगा कल रौला पाऊंगा मीटिंग करन दे घट्टो घट्ट लोग तो नहीं कहेंगे भी यार तीजे दिन चू पा लेंगे यह तो कोई विकास कार्ज नहीं हो मैं क्या पहला तुम सरकारी काम नबेड़ो मैं SSP साहब को बेनती की निम्रता सहित चिट्ठी भेजी शाम मैं 2 मिनट का समा दवा दो जो तुहाडियां मीटिंगां खत्म हो गई जो तुम जिथे कहो तो मैं 4 घंटे डिटेन करी रखा पहला SSP दफ्तर से बंद करता फिर DSP चले गए फिर उतों सिनमें चले गए पैलस के चले गए सॉरी जो जहाज चढ़ गया कहते जी तो चला गया तो सॉरी जो तुम किसी मंत्री को मिलना तो सुन मैं क्या भाई मंत्री को मिला दे मैं तो सुनिया ही लाना भाई मैं आह गल तुम्हें पूछने आया सी तेरी सरकार है तेरिया जेलां ने गैंगस्टर ने जेल के अंदर बह के इंटरव्यू कर ली तुम उन्होंने खिलाफ चलते हो पता नहीं हक चलते हो क्यों नहीं दसते क्लीयर करो ना लोगों पर मैं थोड़ा सारे एक गल दसदा इस माहौल के प्रति थोड़ा एक मुठ होना पेगा ये वो सरकार है जी कहती है गरीबों की जो मिडल वर्ग च उठ के आए कला लॉरेंस NIA जांच के फैक्ट सामने आ गए बाहर आ गया जनत के तौर पर 3 करोड़ रुपया तो वो लगभग बन गया थोड़ा बहुत 2.5 भी हो सकता 3.5 भी हो सकता वो कल मैं इतने पत्रकार को देखी एक लिस्ट 22 नेम उन्हें पूरे पंजाब चज का बंदा कोई नहीं छड़िया शराब का ठेकेदार कोई नहीं छड़िया 30-30 लाख रुपया महीना दे रहा कोई 12 लाख रुपया महीना दे रहा कोई 5 लाख रुपया महीना दे रहा मतलब सरकार के पैरल टैक्स ले रहे वो बंदा जिहड़ा बंदा उन्हें फड़ के लिया ATM दिंदा उन्हें पैसे दिंदा जे कोई बंदा 10,000 की मंग करता भाई 1 लाख रुपया सीधे मेरे पैर हिला दें इस करके फिर वो खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने करनी नहीं तुम देखा होगा सारे पंजाब के किड़ा थाना किड़ा जिला जिथे लॉरेंस दी पेचियां नहीं पई पर तुम दसो NIA की तो एड्डी वड्डी लिस्ट आ गई तो आह कुछ मना लिया कदे पंजाब पुलिस का तुम सुने कदे भी उन्हें आह चीज़ रिमांड लिया 8 दिन का लॉरेंस आह चीज़ मन कदे नहीं सुने होगा कदम 10 रुपये की चीज़ भी कदम मनिया होगा इतों लगता भी बहुत वड्डी पद्धर ते इस सरकार के नुमाइंदे गैंगस्टर के नाल रले हुए ने हुण आपां इह गल कर रहे भ्रिष्टाचार की भी असीं इमानदार हाँ जी दूजे माड़े से मान लेंगे भी माड़े से तो हरा के गल बड़गी नहीं तो बड़े हो पर यार जे मैं तहसीलदार 5,000 रुपया कितने वड्डी दे के आऊँगा मेरा कोई इंतकाल कोई कम तो कर दूंगा करूँगा तो है ना कि बड़े कुछ ना कुछ भावें माड़ी गल देनी नहीं चाहिए पर मैं गल कर लगा पर गैंगस्टर की दिंदा गैंगस्टर गोली ना मार नाले डा के रुपये लेंदा जिन्हों एक बार धमकी आ गई मुड़ के वह बंदा सौ के दिखाओ भी मेरे घर खैर सुखना वो मापे गेट पर नहीं झाकी कहते जब तक जवाब करी नहीं भी इतना की पता हल्किया कुत्तियां का करो वड़ लैण विदेशों बैठे तुम देखो हरियाणे ने की पॉलिसियां ने कोई सख्ताई की गैंगस्टर के खिलाफ नहीं दसो एक भी किसी की प्रॉपर्टी जब्त करती होना तो कमाया हुआ धन हवाला के जरिए 700 लुट लुट के थाईलैंड पैसा जा रहा है ये कहते सा प्रशासन वाला
हाल है भी वो सियाने हो जाऊंगे गल समझ लोगे मेरे वर्गा साल दो साल होर भकाई मारूगा मुड़ के रब न प्यारा होगा ऐ नहीं पता सवेरे बर्बाद नहीं भरोसा एक मिनट का क्योंकि मैं खिलाफ बोलता मैं खुल के बोलता इन्होंने ना दिल लेना भी ये कुछ ये काम करते हैं साढ़े लोगों का खून चूस रहे हैं इस टाइम के उत्ते ज्यादा कर करता बच्चा बाहर तुरे जाने तो कोठी पाने वाली गलती ना कर लो पंजाब के नाल दी नाल ब्रांड कर देंगे कमाई करनी गुनाह है अजकल असी की है सामने गलिया के कट्ठा मूं रोता फिरता सारा दिन की लेना सी कि मेरा पुत एस डी ओ लग जाता जे ई लग जाता किसी प्राइवेट थर्मल च नौकरी कर लेंदा दस भी हजार ने जवाकों आता बैठे की कलिया मशहूरिया करके की मिले सू सरकार दो दो करोड़ रुपया टैक्स भर जे असी धक्के खाने से जे साडे बच्चे ही मार देने से हले साडी हरेक स्टेटमेंट के उत्ते कोशिश करते खालिस्तानी टैग ला दें सारी उम्र भाई जी फौज लेखे लाती कंडम हो के घरे आए हैं तो होर इस तों बाद सानू देश भगती का सर्टिफिकेट कित्थों लिया के देना पैना सो इन्हां दे जिहड़े खदशे ने वीरो इह किस हद तक दलील करनगे हले तक मैनू नहीं पता मेरा पुत कहिंदा हुंदा बापू तू तंदुरुस्त रह तां बहुत कुछ देखणा है शायद मैनू हुण समझ आ रही है वी मैं की कुछ देखणा है इह मेरे नाल बहुत जलालत करनगे कल भी तुसी देख लो सारे मीडिया के सामने मल जलील करना मेरिया रोज झूठिया सोशल मीडिया से खबर फैलाउणियां हुण तो सुखना मेरा रोज ब्याह ही कर देंदे ने रोज कोई ना कोई शरीफा जोड़ देंदे आ कोई धी भैन बच्ची मेरे गल लग के दो मिनट रुपए मेरी पता नहीं तड़के नड़की लिख के यूट्यूब से पा देंदे आ सो रब अगे जान देनी आ परमात्मा जे कितें गलत होया कोई सजा दे पर इन्हां दीआं गल्लां ते यकीन ना करो कुछ भी कह सकदा ये सोशल मीडिया के उत्ते इन्ने काबज हो गए ये जितने भी आई टी सैल के नाल सी हुण तां सुखना ने टीवी खोल देने जगह जगह ते 14-15 चैनल टीवी तुहाडे कोले कोई दूजी खबर ही नहीं आऊगी जिहड़ा कोई माड़े मोटे सच लिखण की कोशिश करू जां विरुद्ध लिखण की कोशिश करूगा उहदा ये बंद कर देणगे सो बहुत औखा तुसीं मोदी कहिंदे सी भाई उन्हां दा भी गुरु आ गया ते इन्ना पुठा दिमाग चलदा तुहानूं जिहड़े तुसीं पढ़े लिखे हो वीरो नशियां तों बच जाओ चिट्टा चुट्टा जिहड़ा हैगा चिट्टा नहीं है भाई जी फैंटा नलिंदियां फैक्ट्रियां च तैयार कीती होई है जिहड़ी आपरेशन करन वेले मरीज़ नूं सुन्न करदे आ डाक्टर चीरा देण तों तुसीं दो चार बारी बातली मुड़ के थोड़े सारे बॉडी ऑर्गेन सारे काम छड जाणगे शरीर थोड़ा सुन्न हो जूगा सानू पिंडे ते खुरक भी करोंगे पता नहीं लगेगा बॉडी थोड़ी लकड़ वर्गी हो जूगी साहब दो चार सालों के पिछे सड़के मर जाओगे अहे जे नशे ना करो तुहाडे आसे पासे तुहानू दो पास नसलकुशी करनी अपनी कोई तंदुरुस्त बच्चा नहीं इन्हें पैदा होने देना साढ़े सारे नौजवान है जिन्हें उन्होंने गलत राह पर पाए जाते हैं समझो हम सीएम आन का बयान तो है मोटर बंद करने की लोड़ नहीं 24 घंटे चलायो कि चिर चलाओगे 2040 तक थोड़ा हाल अफरीका के शहर कैप्टन वर्गा हो जाऊगा आ मेरिया मावा भैन के सिर से तौड़े होंगे कितने किलोमीटर में चलनी है कि राजस्थान वालों दो दो चार चार मील तो तुम पशुओं का पानी ढूंढ मर जाओगे कि खालिस्तान दी मंगा करोगे उतों आपका आप घर दौड़ा पूरी नहीं होनी पानी साढ़ा बड़ा जल्दी ना थले जा रहा है और ये सरकार पॉलिसिया बना के देनिया जिन्हें पानी खत्म हो जाए तुम जे रेंगे हो किताबा खिला बेच के इतों निकल जाओ मुड़ के फिर कोई उद्दा तला पकड़ना बारिश का कोई समझ फिर बाद स्कीम होना पंजाब को बंजर बना के थोड़ू उतों क्ढन की तैयारी है आईलैट की सहूलत थोड़ा देती इन्होंने स्कूल सिलेबस का हिस्सा बना देंगे प्लस टू करके कहते थे मेरा ख्याल है ये भी ना सोल कर देने दसवीं करके जाओ लेट हो जाए प्लस टू करके नीतियां समझो वो मेरा पिता टिब्बा की खातर आपकी जान दे गया ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯੂਐਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਆ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 30-32 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਂਦਾ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀਏ ਕਿੱਲਾ ਇਕਲਾ ਛੱਪੜ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀਏ ਆਉਣੇ ਪੈਣ ਪੰਛੀ ਆਉਣ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀਰੋ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀਰੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।